क्यों नहीं, आप गुस्सा क्यों नहीं, आपको क्रोध क्यों नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आता, क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल एक बाहर वाला। कुछ लोगों का दिख जाता, कुछ लोगों का दिखता नहीं। लेकिन बहुत हद तक हमने प्रयत्न किया कि हमें अपनी मुस्कुराहट भागने नहीं देना। अब आप पूछोगे हाउ पॉसिबल, वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप झंझलाते नहीं, आपके पास लोग इतना परेशान करने आते, आपको नहीं लगता मन ही मन कई बार आपको लगने लगता ये हमारे अधिकारी हमारे बॉस हमारा हित नहीं चाहते, हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमें ज़रूरत भी है। मन में कई बार ऐसा लगने लगता, कई बार बेचार, फिर स्ट्रेस भी आता, फिर बहुत ज़्यादा एक आध कोई साथ में रहने वाला और शैतानी कर दे तो फिर और भड़बड़ा जाता शरीर, और कोई सच में अपने लिए हंस रहा हो दूर खड़ा तो यही लगता ये हमारे ऊपर हंस रहा है। ये जो मन की गति है ये बड़ी खतरनाक है। ये मन कई बार ऐसी चीज़ों को सत्य मान लेता है जो सत्य होती नहीं। तो स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय, या तो आप यहाँ व्यस्त बहुत रहते हैं पर 12 घंटे की ड्यूटी करके आए, आप 5 मिनट मेडिटेशन करिए, ध्यान। जरूरी नहीं आप हनुमान जी का करो, राम जी का करो, आप जिनका जिनको मानते अपने गुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट का, आराध्य का, हमारे सरदार परंपरा से जो है वो अपने गुरु ग्रंथ साहब का, जिनका भाव बने। 5 मिनट आप ब्लैंक होकर के, एकदम ब्लैंक, खाली, कुछ नहीं सोचना, केवल ध्यान करो। अगर आप ओम का करो, प्रणव का, तो हमें लगता है कि आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपके जीवन में और आपकी बॉडी में बहुत फर्क पड़ रहा, आपके विचारों में बहुत फर्क पड़ रहा। कई बार शरीर जो आलस में, चिड़चिड़ापन में, आपके विचार बदलने लगेंगे और सुताई आपके अंदर हैप्पीनेस आने लगेगा और आप गाली में भी मुस्कुराने लगेंगे, कोई उल्टा भी बोलेगा तब भी मुस्कुराने लगेंगे। स्ट्रेस मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। 5 बहुत, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5 मिनट ध्यान। और ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं, ध्यान का मतलब हमारी मति जो कहती आंख खुले में ध्यान हो, बेहतरीन ध्यान। आंख खुली रहे और अपने आप को, हम, मैं कौन हूं और इस पृथ्वी पर क्यों आए, और आपका तो निर्णय फिक्स हो गया है कि आप इस पृथ्वी पर राष्ट्रहित के लिए आए और पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आप मुस्कुराएंगे मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, हमारा भारत मुस्कुराएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, और आपका ब्रेन तेज चलेगा, हमारा भारत आने वाली हर बला से बच जाएगा। हमारे भारत में की जो सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथ में, पूरा देश आपके कारण चैनी से सो रहा है, लेकिन आपका मुस्कुराते हुए रहना बहुत जरूरी। और हम लोग, हमने तो प्रण लिया है कि हम अभी आपको बता भी रहे थे, कैंप में जहाँ बैठे चाय पी रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी तो हमारे जीवन में वो क्रांति हो। हम अचानक से ट्रेन से जाना था, कहीं अचानक से जाना था, एक महात्मा का आदेश लगा कि आप आओ, ये अभी आओ। हम किसी शहर में कथा कर रहे थे, वहाँ से हमने रेलगाड़ी पकड़ी, रेलगाड़ी पर बैठे तो कुछ कोटा ऐसे होते हैं जो तुरंत टिकट मिल जाते, पर उस दिन किस्मत की बात कि हमको नहीं मिली, और यही कोई 1.5-2 साल पुरानी बात, और आज तक ऐसा हुआ नहीं, पर नहीं मिली टिकट तो नहीं मिली। पर एक ट्रेन आ रही थी जो दिल्ली जा रही थी, हम बैठ गए, लेकिन विचित्र बात हमने अपनी आंखों से देखी, अधिकारी भी हमारे साथ में, सुरक्षा के अधिकारी भी थे, सब बैठे। लेकिन जैसे ही डब्बा के लोगों को पता लगा कि बागेश्वर महाराज आए, आधा डब्बा खाली हो गया, सब ने सीट दे दी। हमें खुशी हुई, अच्छा है, संतों का सम्मान किया, हमने धन्यवाद दिया, हमने सबको कहा आप लोग बैठो, हमको केवल एक सीट बैठने की चाहिए, किसी के भी साथ हम शेयर करें। लोग बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग नीचे बैठ गए, छोड़ दी, बैठे सब। लेकिन तब तक हम जब बाथरूम तरफ गए, जो हमारे भीतर क्रांति घटी, वहाँ पर 2 राष्ट्र की सेवा करने वाले BSF के जवान बाथरूम के पास अखबार बिछा कर बैठे थे, तब हमारे मन को बहुत पीड़ा हुई कि यह देश कितना विचित्र है। एक कोई अभिनेता या कोई व्यक्ति उस बोगी में बैठ जाता है तो बोगी खाली हो जाती है, और सबसे बड़ा अभिनेता इस देश का हीरो कई महीनों बाद अपने घर पर परिवार से मिलने आता है, उसको एक सीट तक शेयर नहीं होती। उस दिन हमने प्रण लिया था कि अब जो भी होगा हमारे जीवन में, हम कुछ ना कुछ अपने शब्दों से भारत के लोगों को मोटिवेट करें। और हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, आप सबसे, कि आप मुस्कुराओ, मुस्कुराना ही जीवन भगवान। अच्छा, आप पुराना जमाना आपको याद होगा,
फोटो वाला कैमरा चलता था, आजकल तो सेल्फी चल गई, मुंह टेढ़ा कर जैसे लोकवा लग गया हो फोटो खींच रहे। पुराने जमाने में कैमरा का जमाना होता था, तो हमने कैमरे के जमाने में एक अच्छी चीज़, बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, हमने ऑब्जर्व किया, जब किसी की शादी होनी होती तो एक दिन पहले कैमरा वालों को बताना पड़ता था, देख भाई शादी के लिए लड़की वालों को फोटो भेजनी है, कल टाइम पे आ जाना। फिर दिन भर कैमरे वाले का इंतजार करते, 3-4 बार पाउडर लगा कर थोड़ा बाल बाल ठीक करके, लड़की को थोड़ा गोरा बदन जाना चाहिए। कैमरा वाले के भी उन दिनों में बहुत साके पड़े थे, उनकी भी इज्जत बहुत बड़ी होती, वो आता था मस्ती से, फिर लेंस साफ करता था, फिर वो चाय पीता था, तो वो पूछता था फुल खींचूं या हाफ खींचूं, अरे भाई यार जल्दी कर, 3 बार पाउडर ख़त्म हो गया यार। तो उसके भी बहुत नखरे हुआ करते थे उस ज़माने में कैमरा वाला, रील वाला कैमरा। फिर वो कहता था ठीक है खड़े हो जाइए, हम फिर तुरंत खड़े हो जाए, फिर वो कितना भी अनपढ़ गवार हो, वो अंग्रेजी का एक शब्द प्लीज स्माइल, अनपढ़ गवार, हमारे गांव का छन्नू लाल आदमी, नाम उसका छन्नू लाल, अनपढ़, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उसने कैमरा क्या खरीदा, प्लीज स्माइल बोलता था, और कभी वो अपना नाम नहीं लिख पाया ठीक से, वो प्लीज स्माइल बोलता था। वो हम लोग तुरंत जैसे कैमरा वाला प्लीज स्माइल, हम लोग तुरंत दांत निकालते, 32 बाहर, हम मुस्कुरा देते थे, अब वो तुरंत फोटो खींच देता था। फिर 2-3 दिन इंतजार करते थे, क्योंकि वो धुल कर आती थी, जब 2-3 दिन बाद फोटो आती थी, अपनी फोटो देखकर हम लोग हंसते थे, ओ तेरी क्या गजब फोटो आई। विचार करिए, 1 सेकंड मुस्कुराने से जब चित्र अच्छा आ सकता है, जीवन भर मुस्कुराते रहिए, पूरी जिंदगी अच्छी आ सकती है।